लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद आज मैं आया हुआ हूँ रॉयल मोटर में और हमारे साथ हैं रोहित जी। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर, और जब भी आप आते हैं तो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छी और नई गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, तो आज भी यही उम्मीद है आपसे कि आज बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हमारे व्यूवर्स को आप दिखाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में खासकर कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है रहेंगी आज आपको हम दिखाते हैं? ऑडी। अच्छा, ऑडी दिखाते हैं आपको, Q7 जी, और आपको स्कॉर्पियो दिखाते हैं, स्कॉर्पियो जी दिखाते हैं आपको। अच्छा, बड़ी गाड़ियों में मतलब आर्टिका, आर्टिका क्योंकि आर्टिका की भी बहुत सारे भाई लोग हमारे डिमांड कर रहे हैं कि आर्टिका भाई अच्छी दिखाइए, तो आपके यहाँ दो आर्टिका भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में खड़ी हैं, तो आज वो भी दिखाने वाले हैं। एक एक करके सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे, सभी की डिटेल बताएंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और फाइनेंस की सुविधा के बारे में भी भैया से पूछते हैं कि क्या सुविधा है आपके यहाँ फाइनेंस? फाइनेंस हमारे यहाँ हो जाती है। हो जाती है जी जी बिल्कुल, तो फाइनेंस भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी प्रोफाइल अच्छी होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट है तो आपका जो है प्रोफाइल अच्छा हो, बैंकिंग अच्छी हो, तो आराम से हो जाएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको ऑडी Q7, और ये कौन सा मॉडल है वो सारी डिटेल भाई देने वाले हैं। और ये देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं गाड़ी इस साइड से, देखिए कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, और बैक से जो गाड़ी कंडीशन है वो भी बिल्कुल बेहतरीन है, ये देखिए। और इस गाड़ी का मॉडल की बात करें तो 2015 मॉडल गाड़ी है ये देखिए। इस साइड से भी देखिए, कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ है, और ये देखिए। और आपको आइए अंदर से दिखाते हैं, सबसे पहले तो टायर्स की कंडीशन देखिए, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में टायर भी हैं, और 2015 मॉडल Q7 है। अंदर से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी आपको हम दिखाते हैं, तो अंदर से जो इंटीरियर है वो देखिए आप, काफ़ी बेहतरीन है ये देखिए। ऑटोमेटिक है ये, और इसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, ऊपर सनरूफ ये देखिए, और पीछे से आइए देखते हैं, तो यहाँ भी आपको ब्लोअर मिल जाते हैं, और ये आपका सनरूफ है इसमें। तो गाड़ी आप लोगों ने पूरी तरीके से देख ली, अंदर से बाहर तक सारी चीज़ें हमने दिखा दी है। 2015 मॉडल है, और बाकी डिटेल जो है वो भाई देने वाले हैं। क्या है? 3.5 की टॉप है ना? अच्छा, ये क्या कहते हैं, चली हुई 90,000 के आसपास है। 90,000 ये चली है, लेकिन कंडीशन वाइज जो है 20,000 किलोमीटर की कंडीशन जैसी होती है। अच्छा, एक्चुअली और भी और ऊपर से भी तक रखा हुआ। क्या माइलेज लगभग डीजल से दे देती है? 10 का है। 10 का, तो भैया 10 का माइलेज मिल जाता है इसमें, और वो भी इसमें तो कोई माइलेज की बात करते ही नहीं है, गाड़ी ऐसी है, सारे फीचर्स से लोडेड है गाड़ी। अच्छा, वैसे इसमें क्या क्या फीचर्स मतलब मिल जाते हैं लोगों को? आपका इसमें एयरमेटिक है। अच्छा, एयरमेटिक के चारों शॉकर्स के अपने आप अप हो जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ है। अच्छा, और जितने फीचर्स हैं सब इसके अंदर सारे इसमें हैं। बाकी आपके पास तो और भी ऑडी देखी है हमने यहाँ पे खड़ी है, तो अगर आपको ऑडी चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, भाई के पास बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे खड़ी हैं और भी। उनकी डिटेल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी उसके बारे में जानकारी चाहिए और भी खड़ी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी का जो प्राइस है वो क्या है? और अच्छा, 32 लाख रुपए, तो 32 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, कुछ कम हो जाएगा? नेगोशिएबल प्राइस है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, मतलब अगर जिसे लेना है वो ऑन टेबल आएगा तो कम हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जी। 2015 मॉडल है, ओनर फर्स्ट है ये, 90,000 के लिए, ठीक है। और बाकी ये 32 लाख रुपए की हो जाएगी। बाकी कंडीशन हमने आपको दिखाई दी है, बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है, और एक बार यहाँ पर विजिट करें, चला करके देखें गाड़ी, तो जब आप आएंगे तो खुद ही समझ में आएगा है कि नहीं कि गाड़ी कैसी है। और बाकी आइए और भी दूसरी गाड़ियाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे ऑडी खड़ी हैं, एक ये खड़ी है, एक वो खड़ी है, एक वहाँ पर है,
और भी इधर गाड़ियां काफ़ी हैं, फॉर्चुनर भी खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर खड़ी है सफारी स्टॉर्म, जो कि कौन सा मॉडल है भाई? ये 2019 का मॉडल है। 2019 का मॉडल है, 17-18 महीने हुए। 2019 मॉडल है। पहले गाड़ी आपको हम दिखा देते हैं, फिर इसके बाद में डिटेल हम बताते हैं। तो इस साइड से पहले देखिए, बिल्कुल साफ गाड़ी है। और अभी चली कितनी है लगभग? ये करीब 22,000। मात्र 22,000 चली गाड़ी है। और मतलब अगर आप नई लेने के लिए सोच रहे हैं तो इसको ले सकते हैं। और ऑन रोड कितने की नई आती है ये? 15 लाख कुछ की थी उसकी, इस समय तो खैर नहीं आ रही है। अच्छा, इस समय ये नहीं आ रही है लोगों को, ये जा रही है। तो 15 लाख कुछ रुपए की थी उस समय गाड़ी ये। और ये है 2019 मॉडल, 22,000 चली, ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है। ये देखिए गाड़ी अंदर से देखिए, बिल्कुल बेहतरीन न्यू कंडीशन है, एकदम शोरूम कंडीशन गाड़ी है। सीट कवर वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन लगे हैं इसमें। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? एयरबैग वगैरह होंगे इसमें? एयरबैग इसमें है, दो एयरबैग हैं। तो इसमें आपको मिल जाते हैं दो एयरबैग। बाकी पीछे से गाड़ी की जो कंडीशन है वो देखिए बेहतरीन है। तो ओनर फर्स्ट है ये, 2019 मॉडल, 20,000 चली, ओनर फर्स्ट है। और क्या प्राइस हो जाएगा इस गाड़ी का? 11 लाख रुपए है। 11 लाख रुपए आप डिमांड कर रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, और नेगोशिएबल प्राइस है, जब आप आएंगे ऑन टेबल बैठेंगे तो कम हो जाएगा। बाकी गाड़ी बिल्कुल न्यू है, आप आकर के इसे भी विज़िट करके देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको ब्रेज़ा दिखाते हैं। और कौन सा मॉडल है ये ब्रेज़ा? 2018 मॉडल है, 40,000 चली हुई है, 40,000 चली हुई 2018 मॉडल है। पहले तो आप गाड़ी देखिए, फिर उसके बाद आपको हम इसकी डिटेल पूरी बताते हैं। ये देखिए इस साइड से भी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है। और कितना चल गई है? वही 45। अच्छा, 45 चल चुकी है ये। और पीछे से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए। और ये UP 65 वहाँ का है, आपका बनारस का तो नंबर बनारस का है। ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है। और आइए अंदर से इसको देखते हैं। तो ये देखिए अंदर से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी बिल्कुल न्यू है। और इसमें ये एयरबैग दो होंगे ना? जी। दो एयरबैग इसमें मिल जाते हैं। सेकंड टॉप है, टॉप है? जी, सेकंड टॉप। अच्छा, सेकंड टॉप है। तो ये VDI सेकंड टॉप है। और क्या प्राइस इसका हो जाएगा? इसका प्राइस है 7,75,000। 7,75,000 2018 मॉडल, ओनर फर्स्ट है। पूरे नहीं हुए इसके। दो साल नहीं पूरे हुए हैं, ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है। और 45,000 चली है। इंश्योरेंस अभी इसका? इंश्योरेंस है गाड़ी की, इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगा। और 7,75,000 डिमांड कर रहे हैं आप, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा। गाड़ी भी बिल्कुल कम चली है, आप इसको आकर के देख सकते हैं, क्योंकि कम चली गाड़ियां जो है जल्दी मुश्किल से मिलती हैं थोड़ा जी। तो आपके पास कम चली गाड़ियां मिल जाती हैं, आप आएँ थोड़ा विज़िट करें, देखें यहां पे, पसंद है गाड़ी तो इसको ले जा सकते हैं जी। एक गाड़ी ये आपको दिखाते हैं, फॉर्चूनर खड़ी है, जो काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है, ये देखिए। और आइए इस फॉर्चूनर को देखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहले तो सामने से जो गाड़ी की कंडीशन है वो देखिए काफ़ी बेहतरीन है। और मॉडल की बात करें तो कौन सा है? 2019 8,000 चली है। 2019 मॉडल फॉर्चूनर है। और सबसे मेन बात तो जो है वो ये है कि केवल मात्र 8,000 किलोमीटर चली है। और नंबर इसका जो है वो है यहीं का, इलाहाबाद का ही। तो आइए इस साइड से भी दिखाते हैं आपको। गाड़ी बिल्कुल शोरूम कंडीशन में है, पीछे से जो गाड़ी का कंडीशन है वो आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए। बाकी यहाँ पे भाई के पास काफ़ी बड़ा गाड़ियों का काफिला है, जो कि आप यहाँ पे आराम से आकर के देख सकते हैं। और भी गाड़ियाँ आपके मतलब की मिल जाएंगी यहाँ पे। तो 2019 मॉडल 8,000 चली, केवल फॉर्चूनर ही है। और अंदर से इंटीरियर तो वाकई में बहुत अच्छा होता ही है इसका। सीट कवर वगैरह भी देखिए काफ़ी बढ़िया है इसके। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? टॉप मॉडल है? टॉप नहीं, सेकंड टॉप है, सेकंड टॉप है। अच्छा, 4x2 है सेकंड टॉप। 35 लाख के आसपास आ रही है। इसमें पुश स्टार्ट होगा है ना? बाकी इसमें एयरबैग्स वगैरह कितने होते हैं? दो एयरबैग हैं, बाकी सारे क्रूज कंट्रोल। अच्छा, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाता है इसमें। तो इसका जो प्राइस आपने रखा है वो कितना रखा है? 30 लाख रुपये। और ये आ कितने की रही है ऑन रोड? सर 35 लाख के आसपास। 35 लाख रुपये ऑन रोड 35 की आ रही है, 30 लाख रुपये डिमांड रखी है आपने।
और सबसे अच्छी बात यह कि 8,000 ही केवल गाड़ी ये चली है ना, तो ओनर फर्स्ट है, 8,000 केवल चली है, इंश्योरेंस वगैरह भी इसका है, इंश्योरेंस भी अभी आपको मिल जाएगा। एक बार आ करके यहाँ पर चेक करें, गाड़ी चला करके देखें, अगर आपको बढ़िया लगती है तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मतलब हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आता है तो बेचनी भी है ना, अगर बिल्कुल रख लेंगे ज़्यादा तो कस्टमर को समझ में नहीं आएगा, जी जी फायदा नहीं। तो हम लोग रेट ऐसा रखते हैं कि मतलब हाँ ये स्लाइटली नेगोशिएशन जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है जी जी, उसकी वजह से थोड़ा सा ही जो है थोड़ा कर लेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे भाई बोल रहे हैं, तो आप आ करके बात कर सकते हैं। और सबसे मेन बात तो मैं वही कहूँगा कि गाड़ी अगर आपको नई लेनी है तो इसमें अच्छा खासा पैसा आपका बच सकता है ना। उसके बाद फिर दो आर्टिका यहाँ पे खड़ी हैं, एक ये देखिए वाइट कलर में है, एक सिल्वर कलर में है, दोनों की डिटेल हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी आप देख लें, ये देखिए इस साइड से देखिए कहीं भी स्क्रेचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में, और सामने से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी बढ़िया है। और इस साइड से भी दिखाते हैं आपको, तो ये कौन सा मॉडल है, 2017 मॉडल है, आइए अंदर से इसको देखते हैं। 2017 मॉडल है और इसमें आपको डुअल एयरबैग मिल जाते हैं। ये ZDI है, VDI है, अच्छा ये VDI है, लेकिन इसमें आपको एयरबैग डबल मिलते हैं, मतलब इसमें केवल अलॉय व्हील नहीं है ना, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो अलॉय व्हील छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। गाड़ी की कंडीशन आप अंदर से देखिए, ठीक ठाक है, बढ़िया है और बिल्कुल शोरूम जैसी गाड़ी है, शोरूम कंडीशन है, पीछे से देखिए। और इस गाड़ी की डिटेल है कि 2017 मॉडल है, ओनर फर्स्ट है, क्या चल गई लगभग अभी तक है? चली है ऐसे कुछ 60,000 के आसपास, 60,000, तो 60,000 चली है, माइलेज में काफ़ी अच्छी गाड़ी होती है। तो क्या प्राइस इसका हो जाएगा? 7,75,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बगल में एक वाइट कलर में खड़ी है, ये UP 32 है, लखनऊ नंबर है, ये 2012 मॉडल है, कितना चल गई लगभग ये? ऐसे ये भी 80,000 के आसपास, अच्छा 80,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। और ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है, 80,000 चली है, इसको भी आप देखिए वाइट कलर में बढ़िया लग रही है। बाकी ये जो इसके टायर वगैरह हैं, टायर भी बढ़िया हैं, पीछे से भी हम आपको दिखाते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा 2012 मॉडल ओनर फर्स्ट है ये, और VDI है, इसमें एयरबैग नहीं है, ये सिंपल वाली है। और ये गाड़ी 4.5 लाख रुपए की है भाई, बता रहे हैं जो डिमांड है इसकी वो 4.5 लाख रुपए है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं भाई को। उसके बाद फिर आपको एक नायाब नगीना दिखाते हैं, अगर बात करें तो नगीना ही समझिए इसको, क्योंकि इसके बड़े चाहने वाले हैं, तो हमारे व्यूवर्स भी बहुत सारे हैं जो स्कॉर्पियो को बहुत, समझ लीजिए कि स्कॉर्पियो के लिए परेशान रहते हैं कि भाई अच्छी स्कॉर्पियो दिलवा दीजिए। तो ये देखिए वाइट कलर में UP 65 नंबर, ये आपका बनारस का नंबर है, एमहॉक इंजन में है ये, और गाड़ी देखिए इस साइड से। मॉडल की बात करें रोहित भाई, तो कौन सा ये मॉडल? 15 की है, S8। अच्छा S8 है, और 52,000 चलिए, जेन्युइन चलिए, टायर की कंडीशन भी आप देखें, और गाड़ी का जो सामने से लुक है काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए इस साइड से भी देखिए, स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, साफ़ है बिल्कुल। पीछे से आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, S8 है ये, इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं भाई? इसमें अलॉय व्हील भी है, सब कुछ है इसमें, अच्छा सिर्फ क्रूज कंट्रोल नहीं रहता है इसमें, इसमें बस अलॉय व्हील भी है, सारी चीज़ें हैं, बस क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं रहता जैसा कि भाई ने बताया, अच्छा टच स्क्रीन भी नहीं है। बाकी ये देखिए सीट की जो कंडीशन है वो भी बढ़िया है, बिल्कुल न्यू है गाड़ी एकदम, और 2015 मॉडल है, तो जिसने भी रखी है वो काफ़ी अच्छे से रखी है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल साफ दिख रही है, और चली कम है ये 52,000, तो 52,000 चली है, ओनर फर्स्ट है, 2015 मॉडल है ना, और इंश्योरेंस वगैरह तो अभी होगा इसका, तो क्या प्राइस हो जाएगा इसका? 8,75,000, जो कि थोड़ा बहुत हमारे चैनल के माध्यम से अगर हमारे भाई लोग आते हैं तो कुछ तो करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यू की बात करें अगर ये सेट, तो लगभग कितने में आती होगी? 16 से 16.5 लाख, 16.5 की, तो ऑन रोड 16.5 की पड़ती है,
और गाड़ी बढ़िया कंडीशन में, एक बार आएँ विज़िट करें, देखें इसे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं स्कॉर्पियो के लिए, तो आप एक बार देखें आकर के इसको। उसके बाद फिर एक आपको दिखाते हैं i20, जो काफ़ी बेहतरीन लग रही है, ये देखिए। और ये कौन सा मॉडल है? अच्छा, 2015 का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन लग रही है, न्यू बिल्कुल। और पीछे से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी देखें। UP 70 इलाहाबाद का नंबर है। ओनर फर्स्ट है भाई ये देखिए, ओनर फर्स्ट है। सेकंड टॉप होगी, डीजल है, सेकंड टॉप है, डीजल है। अंदर से भी गाड़ी की जो कंडीशन है वो काफ़ी क्लीन है, बिल्कुल देखिए, कहीं भी बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है अंदर से भी, ये देखिए। और इस गाड़ी के बारे में बात करें अगर, तो ये 2015 मॉडल है, ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है। और कितनी चल गई लगभग? ये चली है कुछ 60 के अंदर है, 60 के आसपास, तो 60,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। और क्या प्राइस इसका जो है हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए? 5 लाख। तो 5 लाख डिमांड कर रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। क्या माइलेज लगभग निकाल देती है? माइलेज है 18 का आराम से दे देती है, तो 18 का माइलेज आराम से मिल जाती है। तो ये सब गाड़ियाँ जो भी हमने दिखाई हैं, जितने भी 12 मॉडल से ऊपर हैं, वो फाइनेंस भी हो सकती है। तो आप आराम से यहाँ पर विज़िट करें, देखें आकर के, अगर गाड़ियाँ पसंद आती हैं आपको तो कुछ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी हो जाएगा। फिक्स रेट किसी का नहीं है, बाकी और भी गाड़ियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी भाई के पास। कोई डिमांड है किसी गाड़ी की तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, मिल जाएगी तो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से कभी रोहित भाई के साथ, एक नए स्टॉक के साथ, क्योंकि जब भी स्टॉक भाई के पास आता है, नया अच्छा स्टॉक रहता है, तो हम अपने चैनल पर ज़रूर दिखाते हैं। तो मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।